फाइन लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप और शिक्षा मित्रों के त्याग पत्रों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस हफ्ते कई शिक्षा मित्रों के इस्तीफे सामने आए हैं और सब में एक चीज़ जो कॉमन है वो है कि अल्प मानदेय में आर्थिक तंगी के कारण इस्तीफा देना पड़ रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये जो इस्तीफा पत्र है ये 2 मार्च 2024 का है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्बेडकर नगर के शिक्षा मित्र अयोध्या प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। वही कारण है, इन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा है कि मैं उक्त पद पर कार्यरत हूँ और मिलने वाले मानदेय से प्रार्थी तथा प्रार्थी के परिवार का जीवन यापन मुश्किल हो गया है तथा प्रार्थी का अमूल्य समय भी व्यर्थ हो जा रहा है, जिसके कारण अपनी स्वेच्छा से शिक्षा मित्र पद से त्याग पत्र देना चाहता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का शिक्षा मित्र पद से त्याग पत्र स्वीकार करने की कृपा करें। इसने खंड शिक्षा अधिकारी अम्बेडकर नगर को अपना त्याग पत्र सौंपा है और इस सप्ताह ही इतने त्याग पत्र सामने आ गए हैं। अभी एक शिक्षा मित्र ने वीडियो भी बनाई थी कि वो 11 मार्च को त्याग पत्र देंगे और उन्होंने बताया था कि वो आर्थिक तंगी से अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो त्याग पत्र देने को मजबूर हैं। तो लगातार इस्तीफों का सिलसिला थम नहीं रहा है। सरकार से लगातार शिक्षा मित्र गुहार लगा रहे हैं कि उनके मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाए या फिर समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। हालांकि कल बलरामपुर में अटल बिहारी वाजपेयी की सौपौत्री अंजलि मिश्रा ने ये जरूर कहा था कि आचार संहिता से पहले शिक्षा मित्रों का समाधान होगा, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी ना आना अभी इस बात पर मोहर नहीं लग सकती है कि आचार संहिता से पहले शिक्षा मित्रों का समस्याओं का समाधान होगा या फिर नहीं होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।